हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलामुअलैकुम। तो जी हमारा आज है फर्स्ट डे इन वेल्स और वेल्स की वीडियो देखी। मैंने अपना गेयर मेंशन किया था कौन सा गेयर मैं लेके आ रहा हूँ और अभी हमें खुद भी नहीं पता किन किन जगहों में जाना है। खैर, वी केम टू द वेरी फार वेस्ट कॉर्नर ऑफ वेल्स जहाँ पे देर इज़ दिस लाइट हाउस, हॉली हेड लाइट हाउस। एंड यहाँ पर मेरे पीछे हॉली हेड पहाड़ी नज़र आ रही है। इट इज़ अ वेरी एंशियंट टाउन। ये लाइट हाउस है, ये वो बहुत फेमस है बिकॉज यहाँ से रात के टाइम जो है लाइट शाइन किया जाती है। जैसे पुराने ज़माने में जब नेविगेशन नहीं होती थी, शिप्स को पता चलता था कि वो लैंड के पास आ गई, तो इस वजह से वो उसे फिर स्टे रहे थे क्योंकि यहाँ पे नीचे उनके पहाड़ है, आ भी रहे थोड़े से, काफ़ी सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग वो शिप्स जो थी फिर उससे स्टे रहे होकर बच जाती थी, अदरवाइज़ टक्कर होने का ख़तरा होता है। अभी मैं थोड़ी सी पिक्चर्स ले रहा था, हवा काफ़ी तेज़ है, इवन तो फुल धूप निकली हुई है। मौसम थोड़ा ख़राब पहले बता रहा था लेकिन अब मौसम बेहतर है, बट बिकॉज़ ऑफ हवा ठंड लग रही है तो ये जैकेट वगैरह हमने पहनी हुई है। आगे चलेंगे, हमने जाना है इसके बाद एक कैसल को देखने। वॉक्स इन्जॉय करें हमारे साथ और तस्वीरें इन्जॉय करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो तो और भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और एक तो लोगों को इस वक्त शदीद किस्म की ठंड लग रही है हवा की वजह से, तो मैंने तस्वीरें लेनी है। मैं जा रहा हूँ जल्दी से एक ज़रा अच्छा सा व्यू कैप्चर करने की कोशिश करूँगा एंड इफ सक्सेसफुल तो मकसद पूरा हो गया इधर आने का, पैसे भी पूरे। से लाइट हाउस से निकल के आए हैं और अभी इधर शदीद किस्म की बारिश हो रही है। सीन ये हुआ था कि हमने ढूंढा कि कोई हलाल खाने की शॉप मिले, उसमें पहले हमने फ़िश एंड चिप्स ढूंढे लेकिन वो फ़िश जो है ना वो बीफ शीप के साथ फ्राई होती, तो हमने फिर एक हलाल शॉप ढूंढी है ट्रकेश, उधर से हम कबाब ले रहे हैं और बर्गर। अभी उन्होंने हमें टाइम दिया वेटिंग का थोड़ी देर के लिए और इतनी देर में वेदर ऐसे चेंज हुआ ना एकदम से, बारिश बहुत तेज़ हो रही है इस वक्त। आज से 8-9 साल पहले व्हेन आई केम टू लिवरपूल ना, मुझे वहाँ का वेदर याद है, दैट इज़ ऑल्सो कोस्टल टाउन, समंदर के पास है, तो वहाँ पे होता था कि दिन के टाइम फिर हम सो के उठते थे, फुल धूप लगी होनी और 1.5-2 घंटे में बारिश मौसला था शुरू यानी, फिर उसी तरह 1.5-2 घंटे में दोबारा वेदर चेंज होना और दिन में 3-4 दफ़ा जो है वेदर चेंज होता था। तो अगर अच्छा मौसम भी होना तो हम डरते रहते थे निकलते हुए कि कहीं निकलेंगे तो ये ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, तो यहाँ का भी वही हिसाब किताब है। तो आजकल तो ये कि अभी हमारे पास वेदर ऐप है तो उसमें हम देख रहे हैं बार बार के जी कितनी देर तक बारिश चलनी है नहीं चलनी, लेकिन ये बात है 8-9 साल पहले की बात है, तो उस वक्त वेदर ऐप्स इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी तो पता नहीं चलता था। खैर, अभी बता रहे हैं कि यहाँ इस जगह में तकरीबन घंटे तक बारिश नहीं है लेकिन जहाँ हमने जाना है वहाँ पर नहीं है, तो होपफुली नहीं होगी। अभी हमने खाना खाने उसके बाद हमारी बुकिंग है कैसल की, एक कॉन्वे कैसल, वहाँ पर हम जाएँगे, तकरीबन यहाँ से 50 मिनट्स की ड्राइव है। आखिरकार हमें जी एक हलाल शॉप मिल गई बड़ी ढूंढने के बाद। यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, इसमें मैंने बताया था कि इवन फ़िश एंड चिप्स जो है ऑब्वियसली एक हलाल ऑप्शन होती है, लेकिन फ़िश जो है कभी कभी वो तलते हैं बीफ के साथ या पोर्क के साथ, तो फिर वो हम लोग तो नहीं उसको एक्सेप्ट करते। अभी हम पहुँचे हैं कॉन्वे कैसल और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारी बिल्डिंग कैसल की आपको नज़र आएगी। यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी मसला था, 3-4 चक्कर लगाने के बाद हमें पार्किंग मिली। अब खा के हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, इसकी प्री बुकिंग थी, बुकिंग हमने कराई हुई है। अब हम अंदर जाने लगे और अंदर जाके थोड़ी सी मज़ीद फोटोग्राफी, थोड़ा सा घूमना फिरना करेंगे। अरे तो जो कैसल है इट इज़ अबाउट कोई 700-800 साल पुराना है, 1200 समथिंग इसकी डेट लिखी हुई है जब ये बनाया गया था, और जिस किंग ने बनाया था एडवर्ड 1 वो शायद इधर सिर्फ एक दफ़ा रहा है पूरी अपनी ज़िंदगी में। उसकी भी पुरानी एक कहानी लिखी हुई थी कि उसके अबाओ अजदाद और जो यहाँ का राजा था उनकी आपस में कोई टसल चलती रहती थी, लड़ाइयाँ करते रहते थे, लेकिन एडवर्ड ने जो है उस राज्य को फिर सबक सिखा के ये कैसे बनवाया, और वेल्स में जो है इंग्लिश या ब्रिटिश कह लें रूल को कायम किया। कैसल जो है ऑब्वियसली पुराना हो चुका है, उसकी अच्छी तरह से इन्होंने कह लें एक रेनोवेशन की हुई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया इसको। तो अंदर की दीवारें
देखी हमने कोई अच्छी तस्वीरें ली, टूरिस्ट आते हैं उनको चार्ज करते हैं और उससे उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। फिर हम आ गए अब कैसल के बाहर, मूड हमारा ये था कि हम बैठ के कहीं आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि अब गर्मी हो गई थी धूप की वजह से, लेकिन आइसक्रीम वाली शॉप जो कैसल के बाहर थी बंद हो गई। हमने कहा कि क्यों ना कैसल के बाहर चक्कर लगाया जाए और देखेंगे कोई और अगर शॉप है तो वहाँ पर जाके क्यों ना हम आइसक्रीम नोश करें। आपको ये मेरे पीछे जो है कैसल्स की चार दीवारी नज़र आ रही है और उसके टावर्स नज़र आ रहे हैं, इसकी मैंने तस्वीरें लेके इंस्टा पे लगाई हैं, तो इंस्टा पे जाके फॉलो करो और मज़ीद ज़बरदस्त किस्म के लैंडस्केप और इंग्लैंड के और इवन पूरी दुनिया के मोनूमेंट्स देखो। अभी वॉक शुरू ही की थी तो बारिश शुरू हो गई, कैमरे गए हैं अब बैग में, लेकिन मैंने कहा ये सस्पेंशन ब्रिज आपको दिखाया जाए, ये आप देख रहे हैं इंस्टा पे जो लोग हैं उन्होंने पहले ही देख लिया होगा लेकिन आप लोग अब देख लें। और ये जो है ये तारों से लटका हुआ ब्रिज है और इसको इन्होंने अटैच किया हुआ है कैसल की वॉल्स के साथ। हमसे गलती हुई कि हम गलत वे से एंटर हो गए, जो गलत हो गया वो तो हो गया लेकिन ये ब्रिज मुलायजा फरमाए। और ये कैसल वॉक जो स्टार्ट हुई थी उधर ही ख़त्म हो गई और एकदम से काला सा बादल आया ये देखें और बारिश शुरू हो गई है। और मैंने कहा कैमरों की बका इसी में कि उनको हम जल्दी से बैग में डालें और देखते हैं कि इसे चाय शाय मिलती है पीते हैं, आइसक्रीम का तो मूड बिल्कुल नहीं है। कैसे से हम निकले, कैसे से निकलते साथ ही जो है ना ऐसी कोई मौसलाधार बारिश हुई है, लेकिन भाई ने जो है ना एक ब्रिज की तस्वीरें ले ली हैं वो इंस्टाग्राम पे भी लगेंगी और आपको उसकी वीडियो भी थोड़ी बहुत दिखाएंगे। हम आगे अपने होटल क्योंकि सुबह से निकले हुए थे घर से, इस वीडियो में नहीं पिछली वीडियो में हमने देखा होगा मैंने सारा बताया कितना लंबा सफ़र था, उसके बाद हम दो तीन जगह घूमे। ये हमारा होटल जो है बिल्कुल बीच के पास है और पूरा का पूरा एरिया जो है ये आप देख रहे हैं होटल से भरा पड़ा है। अभी सामान रखने जा रहे हैं ऊपर कमरों में, ज़्यादातर सामान जो होता है वो होता है हमारा वीडियो से रिलेटेड, तो उसको ज़रा स्पेशल केयर से लेके जाना पड़ता है। तो चलें आपको कमरे भी दिखाएं और साथ साथ सामान भी डिलीवर करें। तो उन्होंने हमें कहा है कि होटल के अंदर मास्क पहन के रखें अगर आप अपने खाने के टेबल पर रूम में नहीं है तो किसी रूम में ज़रूरत नहीं है। वैसे आपस की बात है मैं एक दफ़ा देख चुका हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन आए आपको भी दिखाते हैं। ये 110 नंबर रूम है हमारा, लाइटें शाइटें हमने ऑन कर दी थी आके। ये है जी इसका मेन बेड, साथ दो तौलिए उन्हें दिए हैं, वॉलपेपर शेपर लगा हुआ है, साथ एक छोटा सा टीवी है इस तरफ और चाय कॉफ़ी का सामान जैसे हम देख सकते हैं नज़र आ रहा है। ये आई थिंक वार्डरोब है और इसमें सेफ भी पड़ा है अगर आपने कुछ रखना हो तो। और ये बाहर से पूरी बीच नज़र आ रही है, वो दूर करके आपको विंड मिल शायद नज़र आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे होटल है, ये पियर है और इस तरफ वेल्स का झंडा लहरा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी पूरी बीच ऑल राउंड जा रही है, बड़ी शशके वाली टैट किस्म की इसकी विंडोज़ है, जो कि लोग बड़ा पूछते हैं भी बाथरूम साफ़ थे कि नहीं, तो ये सूरत हाल है। तो ये इनका शावर है, साफ़ सुथरा करके दिया हुआ है एकदम चिखास करके और साथ लिखा भी है कि हमने आपको साफ़ सुथरा टॉयलेट दिया। फर्स्ट इंप्रेशन नो स्मेल, ऑलवेज अ बोनस होटल के रूम में और रीजनेबल प्राइस थी, इवन दो कि मैंने लास्ट मिनट बुकिंग की है, गाड़ी भी जाके मैंने पार्क करनी है, बट ओवरऑल हैप्पी विद द रूम। मैं जा रहा हूँ गाड़ी अपनी पार्क करने, यहाँ पे पार्किंग जो है ना बड़ी सीरियसली जाती है वेल्स में स्पेशली। वो एक मेरी फ्रेंड है वो बता रही थी वो जब वेल्स आई थी ना तो लाइन से ना गाड़ियाँ गलत पार्क हुई थी और लाइन से ना पुलिस अफसर ने आके उन सब पे पार्किंग के टिकट लगाए, तो उससे बचने के लिए बेस्ट यही है कि पार्किंग सही टाइम पे सही जगह पे कर ली जाए। अभी मैंने गाड़ी लगाई है, ये होटल वालों ने पीछे अपनी पार्किंग ली हुई है, उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि उनके जो अपने गेस्ट होते हैं उनको पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बाकी तो सड़क पर तो हर कोई आके गाड़ी लगाता है भी बिल्कुल बीच के ऊपर, तो इवन बीच के लोग भी जो हैं उधर गाड़ी लगाते हैं। जल्दी से खाना खाते हैं, बाकी सामान लेके आते हैं और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, कल मिलते हैं, कल मज़ीद एक्सप्लोरेशन होगी वेल्स की, डोंट फॉरगेट टू लॉग ऑन।